Assalamualaikum, welcome to my YouTube channel, The Best Nurse. Dear students, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि BSN Admission 2023 में अप्लाई करने वाले स्टूडेंट्स जिनकी एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो चुकी है, उस रिजेक्शन की वजह क्या है और इसके अलावा क्या उसकी करेक्शन मुमकिन है या नहीं, और स्टूडेंट्स अपने एप्लीकेशन फॉर्म को ख़ुद कैसे एडिट कर सकते हैं और अपनी एप्लीकेशन फॉर्म कैसे करेक्ट कर सकते हैं, और ये सारा प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद आपकी फ़ाइनल मेरिट लिस्ट कब डिस्प्ले होगी, इसके अलावा आपके रिजेक्शन लिस्ट से मुतालिक जो भी क्वेश्चन है हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो एंड तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम और FB पे भी फॉलो कर सकते हैं और मेरी वेबसाइट thebestnurses.com पर जाकर नर्सिंग से मुतालिक हर इन्फॉर्मेशन इजीली जान सकते हैं। अब हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डियर स्टूडेंट्स, आपकी स्क्रीन पर आपको कुछ नोट नज़र आ रहा है जिसमें यह बताया गया है कि आपके डॉक्यूमेंट्स की जांच पड़ताल हो गई है, आपको SMS या ईमेल के जरिए इन्फॉर्म किया जाएगा और शिकायती कमेटी 4 मई से 6 मई तक वर्किंग में होगी और इसकी टाइमिंग 8:30 से 2:30 बजे तक है। स्टूडेंट्स, आपके पोर्टल पर एक दिन पहले ही ये अपडेट आई, उसके बाद ही आपके जो रिजेक्शन लिस्ट थी वो डिस्प्ले कर दी गई, जिसमें स्टूडेंट्स को ये बताया गया कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म में ये मसला था, काइंडली इसको ठीक कर लें। पिछली दफ़ा इतना मसला हुआ था कि उनको 8 से 10 दफ़ा पोर्टल ओपन करना पड़ा था, फिर जाके स्टूडेंट्स के एप्लीकेशन फॉर्म एडिट हुए थे। इस दफ़ा उन्होंने हर स्टूडेंट के करीबी नर्सिंग कॉलेज में शिकायती कमेटी जो कि 2 दिन के लिए मुनक्किद की है, उसमें स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। यहाँ आप रिजेक्शन लिस्ट में अपनी रीजन्स देख कर जाइएगा और मैक्सिमम कोशिश कीजिएगा कि आपकी जो रीजन्स हैं उनको ठीक करवाएँ आप। और जिन स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था, जिनको मैसेज रिसीव हुआ है वो तो ज़रूर जाएं, और जिनको SMS या ईमेल रिसीव नहीं हुआ वो एक दफ़ा फिर रिजेक्शन लिस्ट में कंफर्म कर लें कि उनका नाम नहीं है और उनकी एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट हो चुकी है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आपने करना क्या है, आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, मैट्रिक, FSC, रिजल्ट कार्ड, डोमिसाइल, अपना बे फॉर्म या ID कार्ड, सारे डॉक्यूमेंट्स आपने करीबी नर्सिंग कॉलेज में लेकर जाने हैं। वहां जाकर आपने ये मेक श्योर करना है कि आपकी करेक्शन हो चुकी है और आपकी कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म से मुतलिक कंप्लेन है, जैसे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता रहे होते हैं कि हमारी एक्सेप्ट नहीं हुई, हमारे वाउचर गलत हो गया था, अगर ये इस कंप्लेंट्स में या रिजेक्शन में वो रीज़न नहीं बताई हुई तो नर्सिंग कॉलेज में वो वाली रीज़न भी ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। स्टूडेंट्स, आज 5 मई है, कल 6 मई तक ये प्रोसीजर ख़त्म हो जाएगा। कोशिश करें आज या कल तक मैक्सिमम जाकर अपनी जो मिस्टेक है वो ठीक करवा लें, वरना आपकी एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगी। बेशक आपके मार्क्स जितने भी हैं तो आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। स्टूडेंट्स, कोशिश करें अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर खुद जाएं, इसके अलावा जो क्वेश्चन हैं वो ज़रूर पूछ करें और वो नर्सिंग कॉलेज आपको बताएगा कि आपकी फ़ाइनल मेरिट लिस्ट कब डिस्प्ले होगी। वैसे होगा यही कि ये आपकी जो कंप्लेंट्स हैं इसको देखा जाएगा, आपकी जो करेक्शन करनी है उस करेक्शन को करने के बाद एक लिस्ट लगाई जाएगी जिसमें बताया जाएगा कि आपकी जो मिस्टेक्स थी वो ठीक हो गई हैं, फिर ही आपकी फ़ाइनल सिलेक्शन मेरिट लिस्ट लगाई जाएगी। स्टूडेंट्स, रिजेक्शन लिस्ट का हरगिज़ ये मकसद नहीं है कि अब आपकी रिजेक्शन हो चुकी है, आपकी सिलेक्शन नहीं हो सकती। कोशिश करें एक दिन रह गया अपनी करेक्शन करवा लें और ख़ुद जाकर करवाएं, ये ज़्यादा बेहतर होगा, और इसके बाद ही आपकी फ़ाइनल सिलेक्शन मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई मसला है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।